तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आंगनबाड़ी से संबंधित 6 बड़ी खबरें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उन लोगों को भी न्यूज़ के बारे में पता चल सके। और इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों सबसे पहली न्यूज़ आ रही है उत्तर प्रदेश के मऊ से। आंगनबाड़ी के बच्चों के आधार कार्ड बनेंगे। अब आंगनबाड़ी केंद्र पर योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य होगा। जिन बच्चों का कार्ड नहीं हो उनको पोषाहार, हार्ट कोक आदि योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में जिले के केंद्रों में पंजीकृत ऐसे बच्चे जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं उनके कार्ड विभाग द्वारा बनाए जाएंगे। बिना आधार कार्ड वाले 0 से 5 साल तक के 1,05,476 नौनिहालों के आधार कार्ड केंद्रों पर बनेंगे। यह कार्ड आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक और कार्यकर्ता बनाएंगे जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज आ रही है उत्तर प्रदेश से। अब डीएम करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रमोशन। प्रमोशन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब बार बार लखनऊ दौड़ लगाने की मुक्ति मिल गई है। अब उनका प्रमोशन करने का अधिकार डीएम को दे दिया गया है। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर प्रोन्नति अब डीएम स्तर से ही मिल जाएगी। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। नीति आयोग के सुझाव पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इससे संबंधित गाइडलाइंस में संशोधन कर नई व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों काफी अच्छी न्यूज है ये। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बार बार लखनऊ के चक्कर नहीं लगाना होंगे, अब डीएम स्तर पर ही उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज आ रही है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। आंगनबाड़ी केंद्र में बिना आधार लुट रहा नौनिहालों का आहार। नौनिहालों को मजबूत आधार देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन बिना आधार के बच्चों को मिलने वाला आहार कमाई का जरिया बना हुआ है। केंद्र सरकार की जांच में पोल खुलने के बाद स्थानीय स्तर पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। यहां भी बड़ी संख्या में बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन सका है। ऐसे में बड़ी संख्या में बच्चों के नाम पर मिलने वाले आहार का बंदरबाट हर माह हो रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जांच में प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 14.57 लाख लाभार्थी फर्जी पाए गए। घपले की पोल खोलने में सबसे अधिक मदद आधार कार्ड से मिली। ऐसे में बिना आधार वाले बच्चों के नाम पर मिलने वाले आहार का बंदरबाट किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी कई शिकायतें अधिकारियों के पास पहुंची, लेकिन नाम मात्र की जांच होने से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज आ रही है पंजाब के मानसा से। 92 आंगनबाड़ी वर्करों को दिया प्रशिक्षण। जिला परिषद में करवाए जा रहे पोषण अभियान प्रशिक्षण प्रोग्राम के 5वें दिन मंगलवार को ब्लॉक बुढलाडा की 92 आंगनबाड़ी वर्करों ने हिस्सा लिया। जिला प्रोग्राम अफसर अविनाश कौर ने बताया कि आंगनबाड़ी वर्करों का प्रशिक्षण प्रोग्राम लगातार करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान का उद्देश्य समाज को कुपोषण मुक्त कर तंदुरुस्ती के रास्ते की तरफ ले जाना है। पोषण अभियान के तहत आदित्य मदान ने बताया कि पंजाब सरकार की हिदायतों के अनुसार गर्भवती औरतों और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए सफलतापूर्वक प्रयत्न किए जा रहे हैं। कुपोषण के खात्मे के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज आ रही है बिहार के अरवल से। दफ्तर में ताला जड़ा, जीविका दीदियों ने किया गुस्से का इजहार। अरवल प्रखंड मुख्यालय स्थित ODF कार्यालय में मंगलवार को जीविका दीदियों तथा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने ताला जड़कर गुस्से का इजहार किया। इतना ही नहीं वे लोग वहां जमकर नारेबाजी भी करने लगे। आंदोलनकारियों के आक्रोश को देख कार्यालय के कर्मियों व अधिकारियों में अफरा तफरी की स्थिति कायम हो गई। स्थिति की नजाकत को देखते हुए अधिकारी कार्यालय छोड़कर खिसकना ही मुनासिब समझे। जीविका दीदी तथा सेविका सहायिका कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही धरने पर बैठ गई। उन लोगों का कहना था कि हम लोग ODF के लिए प्रतिदिन भ्रमण करते हैं। हम लोगों के प्रेरणा से ही ग्रामीण अपने अपने घरों में शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। हमारे इस कार्य के कारण तेजी से ODF का कार्य हो रहा है, लेकिन सरकार हम लोगों की सहायता राशि को अब तक लटकाए हुए है। सहायता राशि लेने के लिए अधिकारियों द्वारा नजराने देने की भी बात की जाती है। उन लोगों ने कहा 2000 रुपए नजराने के रूप में मांगे जाते हैं। उन लोगों का कहना है कि जब कभी भी हम लोगों को पैसे की जरूरत, कमाया हुआ पैसा भी नहीं मिल पाता हो, उल्टे हम लोगों से ही नजराने की मांग की जाती है। उन लोगों ने कहा कि व्यवस्था की इस बदहाली के कारण ही हम लोगों को सामूहिक रूप से आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है। इस संबंध में परियोजना पदाधिकारियों ने बताया कि देर होने से असंतोष बढ़ रहा है। भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 1 सप्ताह में प्रत्येक लाभुक के खाते में सहायता राशि भेज दी जाएगी। अधिकारियों के काफी समझाने बुझाने के बाद तालाबंदी कर रही जीविका दीदियों तथा सेविका सहायिकाओं ने कार्यालय का ताला खोला। इस आंदोलन के कारण तकरीबन 3 घंटे तक ODF कार्यालय में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज आ रही है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से। आंकड़ों की बाजीगरी में आंगनबाड़ी केंद्रों की बल्ले बल्ले। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग का हाल मत पूछिए। जिले में आंगनबाड़ी के कुल 3112 केंद्रों की बल्ले बल्ले। इनमें से कुछ कागजी हैं तो कुछ बदहाल। इन्हें संचालित करने के लिए जिन मुख्य सेविकाओं की तैनाती की है उनमें भी अधिकांश बैठकर वेतन उठा रही है। कुछ तो स्थानांतरित होकर आई है, वह भी काम करने के लिए भटक रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं में तो अधिकांश सिर्फ फर्जी आंकड़ों की बाजीगरी में व्यस्त
थे। ग्रामीणों ने बताया कि केंद्र पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आती नहीं है, बच्चे कितने नहीं पता, केंद्र की हालत ऐसे जैसे पिछले एक वर्ष से वह खुला ही ना हो। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों में कभी सामग्री भी नहीं वितरित की गई। तो दोस्तों आज मैंने आपको दी आंगनबाड़ी से संबंधित 6 बड़ी खबरें। दोस्तों इस तरह की न्यूज मैं आपको रोज देता रहता हूँ, जैसी मेरे पास न्यूज आती है मैं आपके लिए रोज एक वीडियो अपलोड करता हूँ। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहे होंगे, इससे आपकी काफी नॉलेज बढ़ रही होगी और आपको पता भी चल रहा होगा कि देश में आंगनबाड़ी से संबंधित क्या क्या चल रहा है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आओ तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।